हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, जैसे कि हम लोग तो ये हमारे ब्लाउज का चैनल है, तो ब्लाउज में चैनल में क्या है, जैसे कि ब्लाउज तो हम सभी लोग बना रहे हैं, सभी पार्ट को देख भी रहे हैं, मगर बहुत लोगों को है कौन सा पार्ट में क्या बोलते हैं किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो बना दिया जाए, जैसे कि ऑल टाइप जो ब्लाउज है उसका उसके अंदर जितना पार्ट्स होता है वो सभी पार्ट को हम कौन नाम से हम लोग बुलाते हैं और उसका सही नाम क्या है ये आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं डबल कटोरी दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, डबल कटोरी किसे बोलते हैं, डबल कटोरी जो ब्लाउज होगा यानी कि चोली का, उसमें एक बैक पार्ट इसी तरह दिखेगा, इसे हम बैक पार्ट बोलते हैं। और उसके बाद एक पार्ट इसे बोलते हैं जो इधर रहता है, इसे हम बोलते हैं एलिट पार्ट, बहुत लोग इसे योग भी बोलते हैं। और उसके बाद और एक डबल कटोरी में एक पार्ट रहता है, फिर ये देखिए ये रहा इस पार्ट, इस जगह में रहता है। और ये रहा फ्रेंड बाटी पार्ट बोलते हैं हम, जो कटोरी होता है ना, जो कटोरी का डबल पार्ट होता है, इसलिए इसका नाम डबल कटोरी है। यानी कि कटोरी जो वर्ड है वो हिंदी लैंग्वेज काप से आया है, वो उसके ये है ऊपर बाटी पार्ट और ये है नीचे वाला पॉटल पार्ट हम इसे बोलते। देखिए इसे इस तरह देखते हैं, बहुत लोग इसे इसी तरह भी करते हैं, यानी कि हम लोग इस तरह से भी करते हैं। और हमारा चैनल में दिया हुआ है बहुत अलग अलग तरीका का जो पॉटल होता है। तो डबल कटोरी किसे बोलते हैं, अब देखिए फ्रेंड, एक बैक पार्ट, एक एस पार्ट और एक बाटी पार्ट, एक पॉटल पार्ट और एक एलिप पार्ट, और ये होता है फ्रेंड स्लीव। ठीक है, तो इसे हम लोग डबल कटोरी और चोली कट बोलते हैं। तो बहुत लोगों को पता नहीं था, आप लोगों को पता चल गया है। तो अब हम दिखाएंगे दूसरी जो ब्लाउज टाइप होता है उसका जो पार्ट होता है उस पार्ट का क्या क्या नाम होता है। और फ्रेंड ये जो टाइप का जो ब्लाउज है इसे हम बोलते हैं सिंगल कटोरी। सिंगल कटोरी फ्रेंड एक नाम है जो बाजार में बहुत चलता है, सिंगल कटोरी में है। और उसके लिए वो किसे बोलते, देखिए उसके लिए इसी तरह एक बैक पार्ट चाहिए, इसी तरह एक एस पार्ट, एस पार्ट चाहिए और इसी तरह एक एलिट पार्ट चाहिए। और ये वाला जो हिस्सा है फ्रेंड, इसमें देखेंगे आप लोग कोई बाटी या जो पॉटल, जो डबल कटोरी में जो कटोरी का दो हिस्सा रहता है इसमें वो हिस्सा नहीं रहता, इसमें पूरा मिला के फ्रेंड एक ही पार्ट रहता है, ये देखिए। ठीक है, यानी कि जो दो हिस्सा उसलिए उसका नाम डबल हुआ है और ये सिंगल हुआ है, यानी कि ये कप सिंगल है और ये सिंगल है पार्ट, मगर साथ ही साथ ये डार्ट भी सिंगल है। मगर इस कटोरी में हम लोग इसी तरह एक डार्ट दे सकते हैं, इसी तरह एक डार्ट दे सकते हैं, उसमें तीनों डार्ट होगा। ठीक है, तो थ्री डार्ट वाला सिंगल कटोरी होगा उसका नाम। तो ये रहा और इसे बोलते हैं हम स्लीव, तो ये सभी को पता है। तो चलिए अब दूसरी जो ब्लाउज है वो मैं दिखा रहा हूँ, उस पार्ट को क्या नाम बोलते हैं। फ्रेंड मैं सिर्फ बेसिक दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जैसे सिंगल कटोरी के साथ कुछ वेरिएशन मिला दे तो वो वेरिएशन कहलाएगा, मगर जो बेसिक पार्ट है आप लोगों को ये अगर मालूम पड़ जाए तो वेरिएशन में कौन सा पार्ट यूज हो रहा है आप बहुत आसानी से जान पाएंगे। तो चलिए हम दूसरा ब्लाउज है जो उसका पार्ट में दिखाऊंगा। और फिर ये और एक टाइप का ब्लाउज है, इसे हम बोलते हैं एलिट कट, बहुत लोग इसे बेल्ट ब्लाउज भी बोलते हैं। और ये देखिए हर एक जगह में अलग अलग नाम होता है, मगर जो पार्ट में दिखा रहा हो इसे आप लोग पहचान जाएंगे ये कौन सा ब्लाउज है। तो इसे आप बैक पार्ट बोलते हैं, इसके लिए चाहिए जो एलिट कट ब्लाउज उसके लिए इसी तरह एक बैक पार्ट चाहिए, एक एलिट पार्ट चाहिए। और इसे बोलते हैं हम जो काप और बॉडी एक ही साथ होता है, तो अपर बॉडी पार्ट हम लोग इसे बोलेंगे। ठीक है, डार्ट वाला अपर बॉडी पार्ट हम लोग बोल सकते हैं इसे, और काप वाला हिस्सा भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो इसी तरह है, मगर इसमें जो डार्ट है ना इसी तरह 1 2 3 4 डार्ट रहता है एलिट कट में। बहुत लोग है जो इसे 1 डार्ट इस जगह में देते हैं मगर इस जगह में डार्ट नहीं देता है, मगर वो भी एलिट कट ही होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिट यूज हो रहा है, इसलिए वो एलिट कट होगा। और ऊपर वाला जो हिस्सा है जो नाम मैंने बताया उसी तरह अलग अलग नाम से बहुत लोग बुलाते हैं, अब जो चाहे आप कर लीजिए। आप जैसे कि अपर बॉडी पार्ट आप इसे इस फ्रंट पार्ट को आप बोल सकते हो, ठीक है, अपर फ्रंट पार्ट भी बोल सकते हो। और ये रहा स्लीव, हमेशा कॉमन होता है, स्लीव एक ही तरह होता है, मगर
स्लीव का भी वेरिएशन होता है, स्लीव का वैरायटी टाइप डिज़ाइन होता है, वो अलग बात है, मगर बेसिक इस तरह होता है स्लीव। तो चलिए इसे हम एलिट पार्ट बोलते हैं। अब चले जाते हैं हम दूसरा जो ब्लाउज का जो पार्ट होता है उसका क्या नाम है और उसके अंदर जो पार्ट है वो क्या है। ये रहा और एक टाइप का ब्लाउज जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसेस कट। ठीक है फ्रेंड, तो प्रिंसेस कट फ्रेंड एक टाइप होता है जो हमेशा कटा हुआ पार्ट होता है, कोई भी पार्ट हो वो दोनों पार्ट अलग से होता है। उसी तरह यानी कि फ्रंट पार्ट में हम इसी तरह दोनों पार्ट इसमें हैं, जैसे कि जो कटोरी के साथ बॉडी भी डिवाइड किया हुआ होता है, जो एक कटिंग लाइन होता है उसे हम प्रिंसेस कट बोलते हैं। और जैसे कि ब्लाउज के लिए हम इसे जो है ये साइड वाला जो कटोरी आप लोग बोल सकते हो और ये फ्रंट पार्ट का जो कटोरी है बोल सकते हो, ये बॉडी के साथ है, एकॉर्ड है, अलग से कोई नहीं है। क्योंकि डबल कटोरी में क्या होता है, अपना जो बास्ट होता है उसका अलग से शेप होता है, सिर्फ बस्ट का ही शेप के लिए वो अलग अलग से हम पार्ट्स यूज करते हैं उसका। मगर प्रिंसेस कट में फिर वो तरीका नहीं है, इसमें दो पार्ट है और इसमें आप लोग देखेंगे बहुत प्रिंसेस कट में एलिट हुआ है, मगर वो अलग टाइप हो जाएगा, वो बहुत लोग क्रॉस कट बोलते हैं, थ्री पीसेस प्रिंसेस कट बोलते हैं, वो अलग होता है। मगर इसके जो नाम होता है हम साइड वाला कटोरी इस पार्ट को हम बोल सकते हैं और ये हम बोल सकते हैं जो फ्रंट वाला जो हुक वाला जो बॉडी पार्ट होता है वो हुक वाला कटोरी हम बोल सकते हैं इस पार्ट को हम। ठीक है, और ये रहा स्लिप, ये भी कॉमन होता है ये स्लिप। तो चलिए अब दूसरा और एक टाइप है उसे हम दिखा रहे हैं। और फ्रेंड ये देखिए ये एक टाइप है, इसे हम बोलते हैं प्लेन कट। तो प्लेन कट किसे बोलते हैं, आप देखिए प्लेन कट जो ब्लाउज है उसमें इसी तरह एक पार्ट रहेगा, इसे हम फ्रंट पार्ट बोलते हैं और कटोरी विथ फ्रंट पार्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अलग से कोई कटोरी नहीं है, एक ही साथ है, अटैच्ड है इसके साथ, कोई अलग से आप लोगों को कप नहीं दिखेगा। तो ये है फ्रंट बॉडी पार्ट, जो डार्ट वाला बॉडी पार्ट भी बहुत लोग बोलते हैं। और ये रहा हमारा बैक पार्ट और ये रहा हमारा स्लीव। बहुत लोग अलग अलग तरीका का इसका नाम इसमें यूज़ करते हैं, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ध्यान में रहे कौन सा पार्ट को हम क्या बोलेंगे। इसे ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट बोलेंगे, जो डार्ट वाला फ्रंट पार्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल गया है और कौन सा टाइप होता है और कौन सा टाइप का कौन सा पार्ट होता है आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा चल गया है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता चल गया है हम कौन सा पार्ट को क्या नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलूँगा, आज के लिए इतना सही था। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।